दिव्यंदु, आपको नहीं लगता टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई अब शाहिद के दोस्त टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे? भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और दोस्त किरदार किरदार मुझे नहीं लगता। अच्छा शाहिद, डू यू दिव्यंदु, शाहिद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। शाहिद देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो। मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं। आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना। तो मेरा सिर्फ ये रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ। और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइयां कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी काइयां कमीना, इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हीरो फिल्म के ये नहीं। और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं, आप बहुत पर्सनली ले रहे हैं। शाहिद, शाहिद बताना चाहेंगे आप? इट्स अ रिस्क और इट्स अ चैलेंज, इट्स अ रिस्क और चुप है, इट्स अ रिस्क और चैलेंज। और जुबान भी लैंग्वेज भी बहुत ही कमांड रही है, हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, उसकी गढ़वाली डायलेक्ट है इस फिल्म की, लेकिन तो उस पर कितना काम किया, क्या आपको लगता है इस रिस्क जी? पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिव्यंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले दो दिन तो उनकी हवाइयां ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है। मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ कि जगह वहाँ जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा द होल वे इट इज़ एक्सप्रेस इज़ वेरी डिफरेंट, एंड देन देर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठहरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू लर्न इट, बट आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म, बिकॉज किसी भी फिल्म में फ्लेवर अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल ग्रास रूट हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है, पाजी को छोड़ के, जिनको लगता है पंजाब को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सेम है, यूपी उत्तराखंड सब सेम है।